हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं जियोग्राफी पर प्रस्तावना कौशल। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो है जयमंडल। सो जयमंडल पर हम किस तरीके से पहुंचेंगे, किस तरीके से हमें स्टार्टिंग करनी है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि दिन के समय यानी कि आसमान में क्या चमकता है। तो इसका हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सूर्य। यानी कि प्रस्तावना क्वेश्चन में क्या होता है कि जो टॉपिक आपको पढ़ाना है उस पर पहुंचने से पहले आपको जो बच्चे हैं उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उनसे बेसिक क्वेश्चंस पूछने होते हैं जिनका आंसर उन्हें आसानी से आता है। इसे ज्ञात से अज्ञात नियम कहते हैं। यानी कि बच्चों की रुचि को बढ़ाने के लिए हम उनके जो पहले उनका देखेंगे कि उनको कितना पता है, उसके बाद हम धीरे धीरे उन्हें अपने टॉपिक पर लेकर आएंगे। तो अगर हम बच्चों से पूछेंगे कि दिन में आसमान में क्या चमकता है, तो नॉर्मल ये सभी जानते हैं कि सूरज हमें दिखाई देता है दिन के समय। उसके बाद ये जो हमारा आंसर है इसी से ही हमें हमारा अगला क्वेश्चन निकालना है। तो सूर्य से हम क्या निकालेंगे कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं चक्कर लगाते हैं, यानी कि जो भी ग्रह हैं सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन ग्रहों में से कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि नीला ग्रह कहलाता है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि नीला ग्रह कहलाता। सो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो कि जो भी बच्चे होते हैं वो स्टार्टिंग से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो नीला ग्रह है वो किसे कहते हैं, पृथ्वी को, क्योंकि जो पृथ्वी है वहां पर काफी मात्रा में जल पाया जाता है जिसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो पृथ्वी से शुरू होगा कि जो हमारा आंसर है उसी से ही हमें क्वेश्चन शुरू करना होता है प्रस्तावना क्वेश्चन में। तो पृथ्वी से हम क्या क्वेश्चन शुरू करेंगे कि जो पृथ्वी पर जीवन के लिए, यानी कि जो पृथ्वी है उस पर जीवन के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। नॉर्मल कि हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हमें ये क्वेश्चन तो आसानी से पता होगा कि हमें जीने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा जल, वायु, भूमि। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो इसी से, यानी कि ये जो आंसर है उसी से हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि जल, वायु और भूमि। जैसे कि ये जो जल है, वायु, भूमि के समूह को, यानी कि ये जो सभी चीजें हैं इनका जो समूह होता है या ये सभी चीजें मिलकर क्या बनाती है, तो इसके समूह को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा जैव मंडल। तो अगर हमें जैव मंडल पढ़ाना है तो हमने ये यहाँ पर आंसर अपना निकाल लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम बच्चों से पूछेंगे कि जैव मंडल के बारे में आप क्या जानते हैं, और यही हमारा अगला टॉपिक होगा। आप क्या जानते हैं, तो ये वाला जो टॉपिक है वो आ जाएगा समस्यात्मक, यानी कि इसमें जो बच्चे हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे एंड इसके बाद आपको ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी होगी। तो फ्रेंड, आप कोई भी टॉपिक पर इस तरीके से प्रस्तावना क्वेश्चन बना सकते हैं। मेन यही होता है कि प्रस्तावना क्वेश्चन किस तरीके से बनाई जाए। तो इसमें क्या होता है कि हमें जो टॉपिक पढ़ाना है वो हमारा क्वेश्चन लास्ट में आता है। उससे पहले हम क्या करेंगे कि कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे जिनके बारे में बच्चों को पहले से पता होता है, यानी कि जो कि उनकी दैनिक जीवनचर्या, यानी कि जो डेली रूटीन में वो देखते हैं, जो भी वो महसूस करते हैं, जो भी वो कार्य करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले पूछे जाएंगे। फिर धीरे धीरे हम हमारे टॉपिक पर आएंगे और उसके बाद हम उनसे उस टॉपिक के बारे में हम उन्हें पढ़ाएंगे। सो इस तरीके से हम किसी भी सब्जेक्ट में प्रस्तावना कौशल तैयार कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड आपको समझ आ गया होगा कि प्रस्तावना कौशल किस तरीके से तैयार की जाती है एंड क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं उसी आंसर से अगला क्वेश्चन बनाया जाता है, जिसके कारण ये एक चैन की तरह बन जाते हैं। सो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।